खबर है जमशेदपुर की, जहां गंगा हिंसा को लेकर जमशेदपुर पुलिस की कार्रवाई से शहर के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने इसको लेकर बुधवार को पेन डाउन स्ट्राइक कर दिया है। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में बुधवार को अधिवक्ताओं ने जमकर बवाल काटा और खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा है। दरअसल कदमा हिंसा को लेकर अधिवक्ता चंदन चतुर्वेदी मंगलवार को कुछ लोगों के साथ एसपी से मिलने गए थे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था। एसपी के निर्देश पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और हथकड़ी पहनाकर न्यायालय लाया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा गया। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अविलंब चंदन चतुर्वेदी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। शंकर दुबे, हमारा एक अधिवक्ता चंदन दुबे, ये जो प्रकरण हुआ शास्त्री नगर का, उसमें ज्ञापन देने गया था एसपी के यहाँ, सात आदमी के साथ में ज्ञापन देने गया तो उसको वहाँ वहीं उसको होल्ड कर दिया गया। उसके बाद 24 घंटा थाना में रखा गया और बार बार एक्सपीरियंस दिया जाता है उसको छोड़ दिया जाएगा, मगर 24 घंटा बाद उसको हथकड़ी पहना के कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है। ये जानते हुए कि एक अधिवक्ता है 24 घंटा थाना में बैठा के रखना और फिर एक झूठे मामले में उसको जेल भेज दिया, जबकि वहाँ उसका प्रेजेंस नहीं था, वो उस दिन कोर्ट में था। इन स्पाइट ऑफ दैट उसको जेल भेजा गया, जो कि बिल्कुल प्रशासन ने कानून के खिलाफ जाके और अपना रुतबा दिखा के एक अधिवक्ता का आम लोग के साथ अन्याय किया ही है। ये जानते हुए कि अधिवक्ता उसके साथ अन्याय किया, इसलिए उसका सारे अधिवक्ता आज सेकेंड हाफ में अपने काम झड़प रखे हुए हैं। आगे की रणनीति कब तक तय की जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।